लॉकअप लॉकअप लॉकअप। कंगना रनौत की अत्याचारी जेल में हो रहा है बैड एस खेल और एक एक कंटेंडर अब धीरे धीरे करके और भी ज्यादा खूंखार बैड एस बनता जा रहा है। दोस्तों आज के एपिसोड को देखने के बाद करण कुंद्रा के ऊपर बायस होने का इल्जाम लगा है। जी हाँ, वहीं साथ ही साथ करण वीर को सभी लोग कह रहे हैं कि ये वीर तो सचमुच में कमाल है। इसके अलावा दोस्तों पायल क्यों अपनी नजदीकियां करण के साथ बढ़ा रही है, इसके पीछे क्या हिडन एजेंडा है, आजमा को ये क्या हो गया है, क्यों इतना पायल पर मेहरबान हो रही है, वहीं साथ ही साथ वो मुन्ना को भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। स्वागत है आपका मेरे अपने चैनल टेली खजाना में। मैं हूं आपका यारों का यार, आपका होस्ट राहुल भोज। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले तो माफी चाहूंगा कॉज आज लाइव नहीं आ पाया। लाइव आने की एक मुख्य वजह ये थी कि थोड़ा सा इंटरनेट इशू था, लेकिन कोई बात नहीं, वीडियो आ गई है और वीडियो में आप लोगों को मजेदार जवाब मिलेंगे आपके सवालों के। तो सबसे पहले तो अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा तो आजमा जो है वो पायल के साथ अपनी बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग कर रही है। मैंने ये पास में भी बताया है, आप लोगों को भी ये बात अच्छी तरीके से पता है कि आजमा ऐसा क्यों कर रही है। पायल की जहां पर वो एक तरफ जमकर बुराई करती है, पायल को गाली गुप्तार करती है और न जाने क्या क्या बोलती है, वो भी मुनव्वर के सामने, वहीं यहां पर वो मुनव्वर की भी प्लान्स को बताते हुए नजर आती है। अगर आपने नोटिस किया होगा दोस्तों तो पायल के साथ भी वो गुड टर्म्स बना के चलना चाहती है, क्योंकि वो बाहर से गेम देख कर आई है और कंगना रनौत ने भी अप्रिशिएट किया है। साथ ही साथ वो जो है मुन्ना को भी लेकर चलना चाहती है, क्योंकि मुन्ना को तो हर कोई लेकर चलना चाहता है। कल की आई शाइशा दोबारा से जो फिर से मुन्ना 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 करती है वो आपने देखा ही होगा। खैर, इसके अलावा दोस्तों हम आज पहली बार विनीत को प्लानिंग प्लॉटिंग करते हुए देखते हैं। जी हाँ, विनीत भैया क्या कर रहे थे इतने दिनों से? विनीत भैया कुछ नहीं कर रहे थे, आज वो एकदम से फुसड्डी हो गए। जिस तरीके से जीशान के साथ वो खेलते हैं सबसे पहला राउंड, और जीशान उन्हें बहुत ही कम समय में, मतलब कि कह सकते हैं बहुत ही कम समय में घसीट के उधर को खींच के ले जाता है, माइंड ब्लोइंग था। खैर, जीशान की अगर बात करें दोस्तों तो इनकी एक अलग ग्रीन टीम है, जीशान अली और ये, जिसमें मंदना भी थोड़ा बहुत है। मुझे ये कहना है कि कंगना रनौत को इन लोगों को एक्सपोज करना चाहिए और कंगना को बोलना चाहिए कि भाई यहाँ पर सिर्फ ऑरेंज और ब्लू नहीं है, यहाँ पर ग्रीन टीम भी है जो कि इन लोगों की टीम है। अब विनीत उसका सरदार है, लेकिन विनीत कुछ कर नहीं रहा है। लेकिन ये अच्छी बात है कि विनीत धीरे धीरे करके अब आगे बढ़ रहा है, लेकिन अभी तो अब वीकेंड आ गया है, जजमेंट डे आ गया है, तो इसके चलते जो है अब मुझे ऐसा लगता है कि विनीत के पत्ते कटेंगे। वैसे भी सबसे लीस्ट वोट विनीत को ही मिल रहे हैं, और विनीत के अगर बात की जाए दोस्तों तो यस, मंदाना को मिल रहे हैं, लेकिन लोग अभी मंदाना को देखना चाहते हैं। विनीत यहां पर दोस्तों एकदम से फेल हो गया है मिजरेबली, क्योंकि जब वो एंटर कर आया था उसको जो है ये बातें बोल रहा था कि मैं मुनव्वर का गेम बजा दूंगा, फारूकी को छोड़ूंगा नहीं, ये वो, लेकिन वो कुछ भी बाल नहीं बाका कर पाया है मुनव्वर फारूकी का। ना ही वो टीम में आग लगा पाया है, ना ही वो टीम को अलग कर पाया है, बल्कि उन्हीं के साथ वो रम कर रह गया है। बट मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा अली का भी लग रहा है, क्योंकि अली भी बहुत ज़्यादा बेकार कर रहा है, और मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि बंदे को थोड़ा सा और इम्प्रूव करना चाहिए, अदरवाइज वो इस हफ्ते जा सकता है। और इस हफ्ते खबर भी यही है कि शायद हो सकता है डबल इविक्शन हो, डबल लॉक आउट हो। अब दोस्तों यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो करण कुंद्रा आते हैं, व्हाट अ डैशिंग एंट्री अगेन, मैं कहना चाहूँगा। करण कुंद्रा जब आते हैं ना, फिजाओं में बाहर आ जाती है, समा बंद सा जाता है। जिस तरीके से आते हैं वो एक जेंटलमैन की तरह मंदाना को माफ़ करते हैं, शाइशा का वेलकम करते हैं, केवी का वेलकम, और सारी चीज़ें जो है सॉर्ट आउट करके वो आगे बढ़ते हैं। खेल बहुत सिंपल था, ब्लू टीम ऑरेंज टीम, एक एक प्लेयर वो रस्सी को खींचेगा, अपनी तरफ लाएगा, घंटी को बजाएगा, दो टीम वाले जहाँ पे मैदान पे खेलेंगे वहीं दो टीम वाले ऑन बोर्ड खेलेंगे, और यह बहुत बहुत ईजी था अगर आपने देखा होगा। ठीक है, इसमें ऐसा कोई बड़ा लॉजिक आपको समझा नहीं सकता हूँ मैं, लेकिन यहाँ पर अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा दोस्तों तो जीशान फिजिकल टास्क में दी बेस्ट है, मतलब ही इज़ द बेस्ट प्लेयर। और जीशान ने जिस तरीके से पलक झपकते ही जैसा हराया अली को, घसीट के ले गया,
विनीत जैसे पावरफुल को घसीट के ले गया। इनफैक्ट शायशा तो अपनी टीम वालों को मजाक बनाते हुए नजर आई कि इनका बॉडी वॉडी बनाने का कोई फायदा नहीं है, कुछ भी नहीं कर रहे। एक्चुअल में दोस्तों अगर बात की जाए तो ये वाला जो टास्क था, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये टास्क है ना फुर्ती का था। मतलब कि टग ऑफ वॉर में क्या होता है, जिसने पहले बाजी पकड़ ली, मतलब कि पहले जैसी विसल बजा सबसे खींचना शुरू कर दिया, वो आगे बढ़ता ही बढ़ता है अनटिल एंड अनलेस आपका वजन जो है शायशा के बराबर हो। आप बैठ जाओ, उठ जाओ, कुछ भी कर लो, आपको खिंचाई नहीं होगी, राइट? तो यहां पर जीशान ने क्या किया, जीशान ने जैसे ही विसल बजी वहां पे पीप, यहां पे तुरंत उसने खींचा। वहीं ऑन बोर्ड जहां पे अली और शिवम बॉटल को खिसकाने का कोशिश कर रहे थे, वहीं जीशान ने तुरंत उसको विनीत को खींचते हुए जो है बेल बजा दी। वेल डन, बहुत अच्छा किया। आप करण कुंद्रा को यहाँ पे नोटिस करेंगे तो करण कुंद्रा जो है काफ़ी सारी चीज़ें बोल रहे थे। उन्होंने ये तक बात बोलती कि तुमने तो कमाल कर दिया टीम ऑरेंज, जीशान तुमने तो सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया, क्योंकि जिस तरीके से तुमने रिकॉर्ड बनाया वो गजब था। लेकिन इसके अलावा वो ब्लू टीम को ज़्यादा बोल रहे थे, ऐसा जनता का कहना है। आपको पता है सोशल मीडिया की भी मैं बातें लाता हूँ, सोशल मीडिया पर भी दोस्तों यही बात आ रही है, जहाँ पे लोग कह रहे हैं कि ये जो करण कुंद्रा आज थोड़े से बायस लगे, क्योंकि वो ऑरेंज टीम को ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे थे एज कम्पेयर टू सॉरी ब्लू टीम को ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे थे एज टीम टू ऑरेंज टीम, और ऑरेंज टीम की जीत पर, ऑरेंज टीम की उस पर यू नो कहीं ना कहीं उन्हें उतनी खुशी नहीं हुई, क्योंकि कहीं ना कहीं वो दिल से चाह रहे होंगे कि शायद जो है ब्लू टीम जीते। बट दोस्तों ऐसा नहीं है, मैं आपको कहना चाहता हूँ करण कुंद्रा का नेचर है, जो कोई हार रहा होता है ना, करण कुंद्रा उसे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं ताकि वो उठ खड़ा हो, और ब्लू टीम ऐसे ही हो रही थी। ब्लू टीम हार रही थी, बैक टू बैक दो राउंड हार गई थी, और इसी के चलते करण कुंद्रा ने ये बात ठानी कि चलो लेट्स इम्प्रूव दैट, और हम इस चीज़ को उठाते हैं। और इसी वजह से करण कुंद्रा ने जो है दोस्तों आपको बता दूँ तो ऑरेंज टीम को ना सपोर्ट करते हुए ब्लू टीम को, ऐसा जो कह रहे हैं सोशल मीडिया पे लोग, ये बात बोली है। तो करण कुंद्रा बायस बिल्कुल भी नहीं है, तो कृपया करके ऐसा मत सोचिएगा आप लोग। दोस्तों इसके बाद अगर बात की जाए तो अगेन सेकंड राउंड आता है, जीशान जीतते हैं, और यहाँ पर जो है पायल मुंह ताकते रह गई। अगर आपने नोटिस किया होगा तो दोस्तों पायल मुंह ताकती रह गई, क्योंकि नहीं थर्ड राउंड में था वो, जिसमें वो मुंह ताकती रह गई थी, जिसमें मुनव्वर ने फट से कैसेट की रील भर ली थी। यहाँ पर भी पायल लोग कर रहे थे, लेकिन जीशान ने बाजी मारी। तीन लड़के और दो लड़कियों की बारी थी दोस्तों, अगर आपने नोटिस किया होगा तो। यहाँ पर शायशा अगर आ गई उनकी टीम में, शायशा बैठ गई, जिसके कारण वो खेल जीत गए, और यहाँ पे मुनव्वर ने तुरंत जो है शिवम को आउट किया। शिवम का एक्चुअली ऐसा है ना, अगर आपने नोटिस किया होगा गेम में वो बहुत ज़्यादा आक्रामक हो जाता है, शिवम बच्चा सा है, अगर आपने नोटिस किया होगा तो शिवम आक्रामक हो जाता है, और वो आक्रामक होकर रहना कुछ भी बोलने लग जाता है, मतलब कि कुछ भी बोलो बोलने लग जाता है, और अपने ही टीम मेंबर से वो झगड़ा कर रहा है, यानी कि बुमबाम जो है अपने ही बाबा से झगड़ा कर रहा है, जो कि है करणवीर। देखो शिवम आगे जाएगा ये तो 101% है, लेकिन उसने अपने आप को सरेंडर कर दिया है केवी के अंडर, तो मुझे नहीं लगता कि वो टॉप थ्री में पहुंच पाएगा। टॉप थ्री में केवी भैया होंगे ही होंगे, ऐसा 101% देख के लग रहा है। अब दोस्तों पायल का अगर आप देखेंगे तो पायल जो है वो मुनव्वर के पीछे पड़ी हुई है, और साथ ही साथ पायल जो है वो केवी भैया की भी यू नो कहीं ना कहीं पायल का ये है सीक्रेट एजेंडा कि मैं जो है केवी को अपने पक्ष में ले लूं, और केवी को अपने पक्ष में लेकर फिर उसके बाद मैं मुनव्वर पर वार करूं, और अगर वो ऐसा करती हैं तो डेफिनेटली सक्सेसफुल होंगी ही होंगी, आप लिख के ले लीजिए। इसके बाद दोस्तों